नमस्कार। जन सरोकार मंच के द्वारा शुरू की गई साक्षात्कार श्रृंखलाओं में आज हम आपको जिनसे मुखातिब कराएंगे, आदरणीय अच्युत ठाकुर साहब हैं। मूल रूप से आप कम्युनिस्ट विचारधारा के पक्षधर हैं, तो इस कार्यक्रम जिसका नाम हमने रखा है आपकी मेरी बात, तो ये लाजिम हो जाता है देश में जो भी इस समय वर्तमान में हालात चल रहे हैं, बंगाल का इलेक्शन है, देश में किसान आंदोलित है, आम आदमी क्या सोचता है ये अलग बात है, लेकिन एक पार्टी विशेष से अपनी विचारधारा को लेकर जब कोई आदमी खड़ा है आपके बीच में, तो उनको समझना भी लाजिम हो जाता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और उसमें उनका योगदान किस सोच पर आधारित है। तो मैं ठाकुर साहब से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में अपनी इस विचारधारा को पहले बताएं कि एक्चुअली है क्या कि मूल रूप से राजस्थान में तो या तो भाजपा सामने आती है, कांग्रेस सामने आती है, ये दो ही विशेष पार्टियां हैं, लेकिन जब भी कोई संगठित या असंगठित दल के द्वारा, लोगों के द्वारा कोई बात उठाई जाती है, तो जिस आवाज में जिस प्रतिरोध के स्वर होते हैं, जिसमें ईमानदारी झलकती है, वो हमें सिर्फ कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ ही हमारे बीच आती है। तो मैं ठाकुर साहब से कहूंगा कि आप तो बहुत सीनियर हैं और आधा हिंदुस्तान आपने देखा है, सारा जीवन इसको समर्पित किया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं थोड़ा सा ये बताएं कि आप कैसे इस विचारधारा की तरफ आप मुड़े और कैसे आगे बढ़े और आज जहां आप जिस सोच को, जिस परिपक्वता को लेके आप जो बीच में आज हैं हम सबके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, मैं अच्युत, मैं सीपीआईएम का होल टाइमर हूं स्टूडेंट लाइफ से, यानी अर्ली 80s से, जब ग्रेजुएशन के दौरान आया जी, तब एक ग्रेजुएशन में विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स को पढ़ा और फिर व्यवहारिक रूप से हमारे यहाँ उन दिनों मुरादाबाद जिले में, मैं बेसिकली यूपी मुरादाबाद से हूँ जी, जी। तो वहाँ जो भूमि के बंटवारे का जो आंदोलन था बहुत तेज था और चकबंदी वहां चल रही थी, तो उस दौर में मुझे उस विचारधारा ने आकर्षित किया और सक्रिय रूप से भागीदार होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रजातंत्र है जी, उसको समझना है हमें सबसे पहले कि वो प्रजातंत्र है क्या। ठीक है, जो आजादी के वक्त हमारे संविधान से के माध्यम से जो वायदा किया गया हिंदुस्तान की मेहनतकश गरीब आवाम को जी, कि उन्हें स्वतंत्रता, समानता और का जो अधिकार और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार जी, हर मेहनतकश को मिलेगा, उस पे वो सत्ताएं और व्यवस्थाएं बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। ठीक, सच तो ये है कि जो आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता आई जी, वो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़े समय में ज्यादा तो कह पाना बड़ा मुश्किल है उसको विस्तार से, लेकिन ये है कि नेहरू युग में वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जी, रूस के क्रांति का और चीन की नई क्रांति का और वहां साम्यवाद की स्थापना का दौर था जी, उस रूस का बहुत ज्यादा प्रभाव नेहरू पे था, जिसने कि
जो दुनिया के सबसे क्रूरतम तानाशाह हिटलर को और उसकी सत्ता को नेस्तनाबूद किया और शांति भाईचारे और मेहनतकशों के सम्मानजनक जीवन का एक आधार उसने विकसित किया और दिया दुनिया को के सामने पेश किया। तो उस सब में दूसरे वो उसी समय मतलब साहित्यिक वो तो अभिरुचि का है सवाल। सवाल जब समाज में अपने चारों तरफ लगातार असमानता दी थी भाई जो भूमि आवंटन का है सवाल, तो भूमि आवंटन का लैंड सीलिंग हमारी सरकार ने कि हर धरती जोतने वाले की ठीक है जमींदारा खत्म, प्रजातंत्र बदलने के बाद राज्य तंत्र की स्थिति बदलने के बाद प्रजातंत्र को स्वीकार करने के बाद वो जो भूमि का उत्तराधिकार है वो उसी सामंती परंपरा से लगातार यहाँ वो जारी रहा। उस पे में सुधार के वायदे तो बहुत किए गए लेकिन वो जमीन पे कहीं भी खरा नहीं उतरा। वो उनका विनोबा भावे का भूदान यज्ञ जी वो भी सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं था, यानी लोगों से एक हवाई वाहवाई लूटने को कहा शायद लोगों को बहकाने बरगलाने के लिए कि सबको सबको जमीन मिलेगी जो जोतेगा वो खाएगा और जमीन जोतने वाले की जी। लेकिन वो नारे का थोथापन आपको बिहार की उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की और दीगर तमाम बहुत सारे सूबों की जो जमीनी स्थिति है किसान और खेतिहर मजदूर की वो उससे आपको पता चल जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये आता है जैसा भी आपने कहा जी कि जब नेहरू युग शुरू हुआ जी और बकौल आपके कि नेहरू रशिया से बहुत प्रभावित थे और वहां कम्युनिस्ट के हाथों बहुत सारे परिवर्तन सामाजिक भी हो रहे थे और राजनीतिक भी हो रहे थे बड़े पैमाने जी और नेहरू भी उनसे प्रभावित थे और ये भी सब जानते हैं कि नेहरू के रिश्ते भी काफी करीब रहे। तो आप नेहरू की देश में कार्यप्रणाली जो रही उसको किस दिशा से देखिए दरअसल वो जो नेहरू की मतलब वो आजादी के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी नेहरू जिसके प्रधानमंत्री थे ठीक है वो दरअसल उस पे जो मूल नियंत्रणकारी शक्तियां थी वो वही सामंतवादी व्यवस्था के प्रथा के उत्तराधिकारी और पूंजीपति ठीक तो उसको नियंत्रित करने वाले वही लोग थे। हाँ लेकिन जो पूंजीवाद और सामंतवाद में बुनियादी अंतर है कि उस सामंतवाद में वो कम से कम इतना ज्यादा जघन्य नहीं होता पूंजी की तरह जो पूंजीपति होता है पूंजीपति की तरह जघन्य और क्रूर सामंत नहीं होता। सामंत क्रूर नहीं होता ये नहीं मैं कह रहा हूं तुलनात्मक रूप से वो अपने मजदूर को कम से कम उसके जीवन यापन की व्यवस्थाएं करता था चाहे वो उस पर कृपा दर्शा के करे या अपना काम कराने के लिए अपने मेहनतकश बैल की तरह उसको भरपेट कम से कम देता था। जो पूंजी का कोई सरोकार नहीं है उसे सिर्फ और सिर्फ पूंजी का तो धर्म पूंजी की नैतिकता पूंजी की सामाजिकता सारा का सारा अपने मुनाफे को बेलगाम करते चले जाना है ठीक आपका कहना सही है बिल्कुल। चलिए मान लीजिए नेहरू की विचारधारा पर पूंजीपतियों का बड़ा दबाव या प्रभाव था तो क्या उनके दबाव में देश में जो उनके नेहरू काल में जो भी योजनाएं बनी उद्योग धंधे लगे या विकास को लेकर जो कुछ गिनाया जाता है जी वो क्या दबाव की राजनीति थी? नहीं वो दबाव की हाँ वो एक तरीके से दबाव की राजनीति थी क्योंकि भाई लेकिन उनका एक ये था कि जो मेहनतकश वर्ग है उनका भी न्यूनतम जीवन यापन की एक व्यवहारिक स्थितियां बनी रही इतना उन्होंने मतलब वो समाजवाद को आदर्श बना के समाजवाद की बात करते हुए इतना समाजवादी स्तर पे कुछ काम उन छोटे वर्गों के लिए मेहनतकश वर्गों के लिए भी व्यवस्थाएं इतनी दी। दूसरे एक ये था सबसे बड़ा कि जो पूंजी थी जो कारपोरेट पूंजी जारीदार पूंजी उस पर नियंत्रण समाजवादी व्यवस्था की तरह
सरकार का कुछ नियंत्रण के प्रयास रहे रहे ठीक, जिससे कि वो मौजूदा दौर में जो अब इस आरएसएस नीत भाजपा शासन में है जो बेलगाम हो रहे हैं कारपोरेट सेक्टर, ऐसी स्थिति नहीं थी, वो नहीं थी, वो नियंत्रित पूंजी थी सरकार द्वारा, वो व्यवस्था थी और वो काफी हद तक, वो उसमें पूर्णता नहीं आई, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो काफी हद तक एक एक नियंत्रण कहीं ना कहीं दिखाई, जो सत्ता का शासन व्यवस्था का जी उस सारे उस पे रहता था कि वो क्रूरता से जो आम वर्ग है, आम जनता है, मेहनत कर वर्ग है, किसान है, उनको पूरी तरीके से नकार के ठुकरा के नहीं आगे बढ़ सकते थे, कुछ ना कुछ उन्हें बहका के बहला के और कुछ छोटी मोटी मान के शर्तें राहत देते हुए और उस रास्ते को पकड़ा, लेकिन जो मूल जो उद्देश्य था जी वो समाजवाद की स्थापना बिल्कुल नहीं था उनका, मतलब समाजवाद चाहते हुए भी वो स्थापित नहीं था, क्योंकि क्योंकि उनकी सत्ता पे जो नियंत्रण था वो, मैं अपने पहले भी कह चुका हूँ, जो नियंत्रण था वो पूरी तरीके से उसी सामंतवाद और पूंजीवादी समाज का था, वो जो 1935 में संविधान सभा नॉमिनेट करके ठीक और ब्रिटिश शासन द्वारा थोप दिया गया था वो तरीका था ठीक था। अब बात अब थोड़ा सा अपन और आगे आते हैं, अब थोड़ा सा आप ये बताएं कि हम एक हाइपोथिकेशन करें जी जी और बंगाल को हम सामने रखें जी, 10-15 साल शासन किया है जी, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाए जी तो आप क्या संभावना देखते हैं कि देश में ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए प्राइम मतलब सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कॉमरेड ज्योति बसु का उदाहरण है, हाँ मैंने वही अल्पमत में रहते हुए उन्होंने उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जब तक पूरी जनवादी जागरूकता के साथ जनमत आपके साथ नहीं होगा तब तक आप वास्तविक कोई सत्ता में जो बुनियादी परिवर्तन है वो करने में सक्षम नहीं होंगे। नहीं नहीं आपका कहना ठीक है, हम तो कहते हैं कि फुल फ्लैश हो जाते हैं जैसे आज मोदी जी हैं जी, तो एक तरह से जी ये तो कहा ही जा रहा है कि उनके पास मैंडेट है, बड़ा बहुमत है जी, शासन कर रहे हैं जी, लोग चाहे उनको कैसा भी कहते रहे, अच्छा कहें बुरा कहें, स्वीकारें ना स्वीकारें, तो अगर कोई ऐसी कल्पना कर ली जाए जी ये कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई व्यक्ति जी दमखम वाला अगर इस पोस्ट पर आता है तो देश में क्या परिवर्तन हो सकता? देखिए मतलब हमारे मजदूर की स्थिति, उसकी मजदूरी, वही मैं कहना चाहूंगा, दरअसल कम्युनिस्ट विचारधारा का जो व्यक्ति वाली बात आप कर रहे हैं ये व्यक्तिवादी राजनीति ही नहीं करते, ना कोई व्यक्तिवादी सिद्धांत, तो क्योंकि व्यक्तिवादी राजनीति से नहीं, व्यक्तिवाद से आप समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते, नहीं, 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 नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि समाजवाद की स्थापना आप कर पाते हैं, मैं तो कहता हूँ प्रशासनिक रूप से एक शासन चलाने के लिए अगर कोई इस विचार जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो मोदी जी चल रहे हैं या आरएसएस पीछे उनको हुक्म कर रही है, लेकिन अगर इसी विचारधारा का कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का कोई व्यक्ति आता है तो वो अपनी विचारधारा के साथ काम करेगा, बिल्कुल लाजिक है, बिल्कुल है ना। तो मैं उस बात को सामने रखते हुए आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या देखते हैं कि क्या बेसिकली जिनकी वजह से ये परेशान है हम लोग, ये अनीति जी है, चाहे आपका सर्वहारा वर्ग जिसे भी आप कहें, चाहे वो कृषक कहें, चाहे मजदूर कहें या और कुछ कहें, तो उनके हक में क्या संभावनाएं लगती हैं आपको कैसा हो सकता है? संभावनाएं तो यह है कि प्रजातंत्र के माने ही ये है कि जो लैंड सीलिंग एक्ट आया अकेले, हालांकि वो इसी पूरी तरीके से एक तो संविधान में संवैधानिक कुछ जरूरतें भी होंगी फेरबदल की, ठीक है ऐसा नहीं है, हाँ वो तो होता भी आया अमेंडमेंट, लेकिन इसी संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत चलते हुए जितना ज्यादा भाई लैंड सीलिंग का था, जैसे भूमि के बंटवारे का कि जमीन जोतने वाले की, तो उसमें वर्गदारों को भी जमीन में उनका
नाम किया जाना, जमीन का सही बंटवारा, लैंड सीलिंग का सबसे ज्यादा जो काम हुआ, सीलिंग एक्ट जो लागू हुआ वो पश्चिम बंगाल में हुआ, भूमि आवंटन वहां पूरे हिंदुस्तान के बाकी सारे प्रदेशों से ज्यादा वहां पूरी तरीके से किया। और उसका ये हुआ, अक्सर लोग ये आरोप लगाते हैं, बोले कि कहीं कोई वहां उस तरह का औद्योगिक विकास नहीं हुआ। ठीक है, देखिए जब हमारे कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश में जब तक के कृषि गांव किसान और खेतीहर मजदूर जी, ये जब तक के इनका ये सहज जीवन यापन की स्थिति में नहीं आएंगे, जब तक इनकी कर्ज से मुक्ति नहीं होगी, जब तक इनकी इनको दूसरी सामान्य सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो उसको विकास कहना संभव ही नहीं है। लेकिन वो पश्चिम बंगाल में हुआ, काफी हद तक हुआ। ठीक है, कि वहां अमीरी के ज्यादा मीनारें आपको ना दिखी, ये एक अलग बात है, लेकिन जो गरीबी है उससे लड़ाई वहां बहुत मजबूत तरीके से लड़ी गई कम्युनिस्ट शासन के दौरान। और वहां जो भूमिहीन थे और जो खेतीहर थे उनकी स्थिति में तुलनात्मक रूप से बहुत सुधार और संतोषप्रद स्थिति पैदा हुई। ठीक है, अभी जो कुछ आपने संदर्भ दिए, इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ बड़ा प्रश्न है देश के सामने। हमारे बंगाल में इलेक्शन भी हुआ है जी, और सभी राजनीतिक दल अपना अपना चौसा बिछा रहे हैं। जब वहां एक लंबे समय तक 15 साल तक शासन चलता है और बकौल आपके कि वहां बहुत सारे परिवर्तन हुए और आपके हिसाब से सकारात्मक हुई, लोगों को लाभ मिला जी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा संपन्न हुआ, और अब फिर वो दौर सामने है कि फिर इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए जागरूकता है, लोगों में बेचैनी है, लेकिन हम वर्तमान समय में हमारी राजनीति जिस मतलब जिस जगह आ खड़ी हुई है पूरे तरीके से, आप राजनीतिक रूप से, बल्कि आप संभव, हमारा देश संप्रभुता अपनी गिरवी रख चुका है, अंतर्राष्ट्रीय जो साम्राज्यवादी पूंजी है, खासतौर से जो उसका मुखिया है अमेरिका, जिसके आगे जी, तो वो शक्तियां पूरी तरीके से, जहां तक मौजूदा सत्ताएं हैं इन्हें भी, ये पूरे तरीके से उनके नियंत्रण में चली गई हैं। और उसी की वजह है कि आप ये देखिए कि जो उस समाजवादी पैटर्न पे जो सार्वजनिक क्षेत्र विकसित किया गया जनता की गाड़ी कमाई से, ये उसको एक 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 करके और पूरी बेहयाई से उसको बेच रहे हैं। नहीं नहीं, वो आपका कहना ठीक है, मैं तो सिर्फ एक जगह सेंट्रलाइज केंद्रित होना चाहता हूँ जी, कि जब वहां की जनता ने एक ऐसा टाइम भी देख लिया जिससे लाभान्वित भी हुए जी, और अब फिर टाइम है सामने है, विरोधी शक्तियां तो हर एरा में रहेंगी, हर वक्त पर रहेंगी, लेकिन जनता तो अपना सुख दुख ठीक से पहचानती है जी। ये और बात है कि बाहुबलियों का राज है, पूंजी का बड़ा खेल है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलने की संभावना हो सकती है इन सारे हालात के बीच में? खासतौर से मतलब इसका फेट, आपके कम्युनिस्ट विचारधारा का फेट। आपने अभी एक बात कही जी कि जनता अपना सुख दुख पहचानती है, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता। अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर जनता अपना सुख दुख पहचानती तो अपनी उन वंचनाओं को, अपनी उन पीड़ाओं को, अपने ऊपर होने वाले उन अत्याचारों को समझती और संगठित होती। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है वो पूंजी, जो लुटेरी पूंजी मिलके, और वो जो धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा करने वाली जो शक्तियां, विभाजनकारी जो शक्तियां हैं, वो लगातार उसको अशिक्षित रख के, उसको लाचार बना के आर्थिक रूप से, वो उसको ऐसे घेरे में फंसा रखा है
कि वो उसको समझने ही नहीं दिया गया और तरह तरह की मूर्खताओं में बांट के उसको रखा हुआ है। हालांकि अब जी। उसमें ऐसा नहीं है, एक एक तो चीज होती है कि आप हमारी वार्ता हुई और बातचीत से समझने वाले बात, लेकिन जब व्यवहार रूप से जब हम उन चीजों को झेलते हैं, अत्याचारों को झेलते हैं, तब जागरूकता आती है। जो व्यवहार, जो वास्तविक शिक्षा है वो व्यवहारिक शिक्षा होती है। तो अब देश में बड़ा भारी परिवर्तन है। पश्चिम बंगाल में जहां तक सवाल है तो आप देख रहे हैं कि वो आज ये कितनी ही वो धनबल से और उससे कितना ही जो अब तक करते रहे हैं धन के बल पे और तरह तरह के छल कपट से जी। और संविधान ने स्थितियों को धता बताते हुए उसके बावजूद आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी को के बड़े बड़े नेताओं को, बल्कि वो जो दो मुड्ढ हैं आपके प्रधानमंत्री जी और जी, आपके रक्षा मंत्री जी, वो उनकी सभाओं में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ये बहुत मतलब एक नामालूम संख्या में पहुंच रहे हैं और उनका एक सामाजिक रूप से बहिष्कार शुरू हो चुका है। क्योंकि जो सामाजिक जागरूकता जो बिहार बंगाल की जनता में है वो अभी देश में नहीं है, वो उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, क्योंकि वहां आजादी के आंदोलन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की भरमार रही, ठीक है, तो वहां एक जनता को वो जो व्यवहारिक शिक्षा में वो लोग ज्यादा आगे हैं तो वो समझते हैं, तो वहां निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। बंगाल में बीजेपी की सत्ता नहीं आने वाली है, ठीक है, ये ना उसके करीब पहुंचने वाले हैं। ऐसा हो तो आपके लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। नहीं, सभी के लिए प्रसन्नता की होगी। ठीक कहा। अब इसी के साथ अपन समय रहते एक बात जो बहुत विशेष है जी। वो है कि देश में 3 महीने से अधिक का समय हो गया जी। हमारा किसान बैठा है बॉर्डर पर दिल्ली के, और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये तो सब हरियाणा से है या पंजाब के किसान है, और जगह ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं कि ये तो दूसरे दलों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, वो खैर कुछ भी हो हमें उसमें नहीं जाना, लेकिन मूल बात यह है कि आप अपनी विचारधारा के साथ इस किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं। देखिए, ये तो एक तरीके से क्रांति की शुरुआत है, नहीं, ये किसान क्रांति नहीं, सिर्फ जो किसानों ने जिसकी पहल अग्रणी नेतृत्वकारी जिसमें किसान है शक्ति है जी, उसमें अब आप ये देख रहे हैं धीरे धीरे दूसरे जो मेहनतकश वर्ग हैं वो भी साथ होते जा रहे हैं, और ये सिर्फ किसान आंदोलन न होकर ये तो एक राष्ट्रीय स्तर पर ये क्रांतिकारी आंदोलन, जन क्रांति का, जनवादी क्रांति का, जनवादी व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन अच्छी बात बन चुका है। उसका सीधा सा ये है कि आप देखिए सत्ता का व्यवहार, ये जो फासिस्ट सत्ता है जी, इनका व्यवहार कि जो दुश्मन से युद्ध के दौरान सीमा पे लामबंदी करते हैं, यानी आप किसान का शोषण कर रहे हैं बुरे तरीके से, वो पिछले 2 दशकों से लाखों किसान का करीब करीब 4 लाख किसान आत्महत्या करने को विवश हुए हैं सरकार की कृषि नीतियों के चलते, ठीक, और अर्थव्यवस्था के चलते, कृषि अर्थव्यवस्था के चलते, उसके बावजूद वो पूरी तरीके से सत्ताएं संवेदनहीन है, वो जो गैट समझौता है उस वो व्यापारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण का उसने तबाह किया, और उसको लाने वाले सिर्फ ये नहीं थे, उसको लाने वाली आप ये देखेंगे कि वो है, क्योंकि आर्थिक नीतियों में बहुत कोई अंतर वैचारिक स्तर पे कांग्रेस और इनमें नहीं है, ठीक, क्योंकि वो जो उदारवाद और निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियां जो आर्थिक लूट के लिए भारतीय संसाधनों की, वो उसकी शुरुआत कांग्रेस सत्ता ने की मनमोहन के दौर में, ठीक है, लेकिन वो फिर भी वही नेहरू वाले पैटर्न पे
कुछ ना कुछ एक सरकारी नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उसका में जो इनकी मुनाफाखोरी बेलगाम हुई उस समझौते के बाद से पूंजी की, तो पूंजी का लालच बढ़ा। जब पूंजी का लालच बढ़ा तो फिर वो इनके अंतर्राष्ट्रीय जो नियंत्रणकारी पूंजी है और जिसका मुखिया मैं कहता हूं वो अमेरिका है, और ये अमेरिका के पाले में इनके चले जाने की वजह से कि वो यहां पूरे तरीके से जो सत्ता है ये वो उसके नियंत्रण में, उस पूंजी के नियंत्रण में चली गई। सच तो ये है कि आज जो सत्ता का वास्तविक नियंत्रण है वो अंबानी और थडानी अडानी जैसों के हाथों में है, पूंजीपतियों के हाथों में है। आज ये खुद भी जो नहीं कर पा रहे हैं इसमें कोई फैसला ले पा रहे हैं इतने दिन से, और वो जो क्रूरताएं और जो दुश्मनों की तरह जो व्यवहार किसान और आम जनता से कर रहे हैं, आपने देखा दिल्ली में, यानी वो तो अपने संवैधानिक अधिकार की मांगों के लिए तो आ रहे थे किसान लोग, जब पंजाब में 7 महीने से चलते हुए आंदोलन को आप कतई कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने आंदोलन तेज करने के लिए उसको राष्ट्रव्यापी करने के लिए फैसले किए कि दिल्ली घेरने का नारा दिया। जब वो वहां घेरने आए तो आप पूरे, यानी जो काम जिस काम के लिए आम आदमी को, अभी आप अगर ये सामने का रास्ता बंद कर दें तो फौरन आके शासन आपके विरुद्ध तमाम सारी कानूनी कार्रवाइयां करेगा और जेल भेज देगा और मुकदमे करेगा और जुर्माने करेगा, सजा देगा। लेकिन सरकार ने किसानों को आने से, भाई वो क्या, वो भारत की प्रजा नहीं है वो किसान, उन्हें आपने उनके प्रजातांत्रिक अधिकार से वंचित क्यों किया? आपका कहना सही, लेकिन एक दूसरा प्रश्न जी खड़ा होता है साथ में जी, प्रजातांत्रिक जो अधिकार है वो तो हर आदमी को मिलने ही चाहिए, इसमें तो कोई राय हो ही नहीं सकती जी। लेकिन जी साथ में ये भी कि हमारे ही देश के नागरिक अगर अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, एक नहीं चार व्यवसाय करते हैं, अंबानी है, पेट्रो है, उसके बाद डिजिटल लाइफ में आते हैं, किसी और में आते हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं अपने देश में, तो उनको लेकर इतना हाहुल्ला क्यों है? अरे हाहुल्ला नहीं, आप उसको इस तरीके से समझिए कि वो जो कोरोना की आपदा, भाई CAA और RR का RCA वो जो पॉलिसी थी हमारे दृष्टि में, वो जो यहाँ का 48% आबादी, मेहनत का आबादी जिसके पास हाथ पैरों के अलावा कोई पूंजी नहीं है, उसे उन जेल खानों में बंद करके और वो गुलाम व्यवस्था लागू करनी थी। ये पूरी तरीके से जो सरकार के सत्ताओं का नियंत्रण है वो जो इजारेदार पूंजी है, ये पूंजी और इजारेदार पूंजी में अंतर है। तो क्या आप डिटेंशन कैंप की जो हवा थी जी बनाए नहीं गए कहीं? हाँ नहीं बनाए गए, वो हवा नहीं थी सर। नहीं नहीं, तो उनको सब कुछ आप सीधे अंबानी और अडानी इन लोगों से जोड़ते हैं। हाँ, हाँ, वो तो श्रम की लूट के लिए, उससे पहले आप देखते जो श्रम कानूनों में जिस तरह के वो किए गए संशोधन, यानी श्रमिक अधिकार ही लगभग समाप्त कर दिए गए। आप यूनियन नहीं बना सकते, आप में उसकी मांग नहीं कर सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आपको 8 की जगह 12 घंटे काम करना होगा। तो वो श्रम की लूट का एक साजिश थी, वो जो डिटेंशन कैंपों का था, तो वो उस, और यहाँ सबसे बड़ा तमाशा ये कि उसे सांप्रदायिक विभाजन से जोड़ के यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच, मुस्लिम्स के बीच एक दुष्प्रचार करके कि ये खा जाएंगे। आप एक बात बताइए कि प्रतिशत आबादी में कितना है मुस्लिम आबादी का हिंदुस्तान की? 132 करोड़ में 22 करोड़ मुस्लिम है, तो क्या ये संभव है कि किसी तरीके से ये मुसलमान बाकी हिंदू और बाकी आबादी को घोल कर भी जाएंगे? नहीं नहीं, आपका तथ्यात्मक आप बात कर रहे हैं वो ठीक भी है जी, उस पर किसी को विरोध भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न बहुत यक्ष प्रश्न है कि इस तरह सोचा जाना चाहिए जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा सवाल रह रहे हैं कि ये मैं वो पूरा कर दूं जी,
लेकिन ये पूरे तरीके से समाज को बुरी तरीके से विभाजित करके और वो जो पिछड़े और दलित और कमजोर वर्ग यानी मेहनतकश वर्ग तो वो ही है, मेहनतकश वर्ग तो पूरे तरीके से ठीक वो वही है, तो उन्हें बिल्कुल अलग थलग करने के लिए उन पे शिकंजा अपना कसने के लिए आप देखें दलितों पे अत्याचार जब से ये सत्ता में आए हैं तब से दलितों पे अत्याचार और मुस्लिम्स पे अत्याचार, कभी गाय के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे जी, कभी दलित के घोड़ा चढ़ने पे, कभी कभी किसी दो युवाओं युवतियों के बीच में अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादियों के मामले में, कभी लव जिहाद, कभी तो इस तरह की वाहियातियां बढ़ाना, और वो पूरे तरीके से राजकीय संरक्षण में। एक तो होता है के खाली नजर चुराना, उधर से नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना नहीं, बाकायदे आप उत्तर प्रदेश को देखें, दिल्ली में क्या हुआ उसके बाद, जब दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन था उजाड़ने के लिए, जब सारी कसरतें इनकी कवायदें फेल हो गई तो फिर क्या लाए ये, फिर वो सांप्रदायिकता और दलित। सही है, आप ये बताइए आप हितैषी उस पूंजी के तो हितैषी है कि वो पूंजी आपको उनका तो पता है, दर्द लगता है, आप उनके बारे में सोचते हैं कि ये हमारे ही पूंजीपति हैं और वो हमारे यहाँ विकास पे ये कमाएं, अगर तो क्या बुराई है। आपने ये प्रश्न कभी किया क्या जब वो उसको नियंत्रित करने के लिए लॉकआउट लागू किया और लाखों लाख 13-14 लाख तो अकेले दिल्ली से जो वो श्रमिक वो दरबदर करके और अपने बूते पे जीने मरने के लिए छोड़ दिए गए, तब वो व्यवस्था कहां थी, तब उनका धर्म कहां था उस पूंजी का, तब उस सत्ता की नैतिकता कहां थी। सही सवाल, तो ये एक पक्षी है ना, ये आप सिर्फ तो ऐसे उन लुटेरे समाज दुश्मन को निरंकुश आप कर देंगे, उसका दूसरा प्रभाव आप देख लीजिए, उसके दुष्प्रभाव, उसके दुष्प्रभाव कि आप ये देखिए कि आपदा कोरोना की आपदा, हालांकि मैं नहीं मानता ये ठीक है कि एक संक्रामक महामारी आई उसका दुष्प्रभाव भी झेला, लेकिन जो मृत्यु दर है उसको आप देखें और जो पिछले विगत 4-5 वर्षों का है उसको आप देखें, तो जो मृत्यु दर है उसमें बहुत मामूली सा अंतर है, और उसका कारण भी ये है कि वो सारे के सारे जो कोरोना से मृत्यु के नाम पे चढ़ा दिए गए कि वो क्योंकि बाकी और टीबी हार्ट और टीबी का हार्ट पेशेंट का डायबिटीज का मतलब दूसरे और जो सामान्य गंभीर रोगों के जो इलाज इस स्वास्थ्य व्यवस्था में थे भी वो, लेकिन उस पंगु स्वास्थ्य व्यवस्था में वो इलाज की व्यवस्था भी बंद हो गई तो वो भी अपने हाल पे मरने को छोड़ दिए गए, तो वो और वो उनकी सारी की संख्या एक आतंक बना ले, क्योंकि इस जो लुटेरी पूंजी है इसका लक्ष्य मैंने पहले कहा ना कि उनका नैतिकता, उनका धर्म, उनकी सामाजिकता सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे को बेलगाम करते चला जाना है। ठीक, इसी दौर में इनके पहले दौर को छोड़ दीजिए, भाजपा की दूसरी सरकार आने के बाद से इस पिछले 1.5-2 साल में आप ये देखें कि एक तरफ पूरा कृषि क्षेत्र बर्बाद, मजदूर बर्बाद, वर्किंग क्लास बेरोजगार, बाजार खत्म, छोटे मोटे उद्योग धंधे सब चौपट, और जितने सार्वजनिक क्षेत्र की लूट थी पहले तो खाली मध्य प्रदेश और बस्तर और कहीं मान लीजिए वो खदाने ही, और वो उनसे बड़े प्रोजेक्ट से शुरू किया जमीनें और खदाने लूटने से, और उसके बाद फिर रेल और हवाई जहाज और बस और ट्रक और व्यापार और बीमा और बैंक इन सबको इनको लूटने का साजिश पूर्ण तरीका, और उसका नतीजा ये निकला तो एक तरफ तो ये सारे मतलब बाकी हिंदुस्तान तो बर्बाद, लेकिन कुछ ये घराने अडानी और अंबानी और छडानी इनकी आय उसी यानी उसी आर्थिक संकट काल में जो इनकी आमदनी है वो 300 से 700 और 800% तक बढ़ी।
ठीक है, यानी ये क्रोनी कैपिटलिज्म का यही तरीका है कि ये वो क्रूर पूंजी द्वारा नियंत्रित सत्ता है जो पूरे जनता की कमाई की सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपदाओं को अपने कानूनी जामा पहनाते हुए संविधान को धता बताते हुए और ये पूरी तरीके से उनके हवाले करते चले जा रहे हैं। इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया है। ठीक है, बहुत साफ बोली से आपने अपनी बात कही और बड़े पैमाने पर स्वीकार जाने योग्य बात है जी। अब आखिरी एक छोटा सा प्रश्न है क्योंकि अपने समय की सीमा है, हम इस किसान आंदोलन के साथ जी हम क्या भविष्य देखते हैं इसका? हाँ, इसका भविष्य का यहां तक है, ये इनकी कोई भी जो ये कुटिल चालें हैं ये इस किसान आंदोलन पे कामयाब नहीं होंगे। अभी बड़ा मजेदार है, परसों में देख रहा था एक उसमें एक इंटरव्यू में एक मेडिकल ऑफिसर वो कह रहे थे, जब एक एंकर ने सवाल लिया बोले ये कोरोना दोबारा से स्ट्रेन आया है तो ये कुछ नहीं, पहले टीका पहले बेचने का था फिर निजीकरण का था और जब उस पर यकीन लोगों को नहीं हो रहा तो उसे बेचने के प्रयास, मतलब हर तरीके से उस पर भी उस आपदा से भी मुनाफाखोरी, कोरोना से मुनाफाखोरी थी। अब जब इन्होंने ये देखा कि इनकी वो कई कई लेन की लोहे की कीलें, कंक्रीट की दीवारें और बैरिकेड्स बंद करने के बाद, दिल्ली के चौतरफा घेराबंदी के बाद, किसान को ना घुसने देने की सारे जोर लगाने के बाद और पूरी बेशर्मी से, आप ये देखें बेशर्मी की हद कि बाकी पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिर रहे हैं, विदेशों में सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके प्रधानमंत्री और वो गृह मंत्री और कृषि मंत्री क्या वहां टिकरी बॉर्डर जी और सिंघू बॉर्डर या गाजी वहां कहीं ये वार्ता के लिए गए? पूरे तरीके से उस किसान की अवहेलना, क्या मतलब इतनी भी संवेदना आपके प्रधानमंत्री जी में मौजूद नहीं है कि वो करीब 250-300 के बीच किसानों की शहादत के बावजूद उस आंदोलन के दौरान उन्होंने एक बार भी वहां कोई संवेदना प्रकट की हो, या वो कागजी मन की बात बोलते उस मन की बात में ही उन्हें श्रद्धांजलि दे दी होती तब भी ये मानते? तो इनका ये तो पूरे तरीके से जनद्रोही और किसान दुश्मन है, संविधान हंता है। आपने तो विचार किए और इसका विकल्प सत्ता परिवर्तन हो ही नहीं सकता, जनता को सिर्फ ये समझना है, समझना है। और अब आप देखिए, अगर मेरा मानना यह है कि दोबारा से ये जो कोरोना स्ट्रेन का जो हल्ला है और आपदा, ये कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये जो मूर्ख होता है ना वो अपनी चाल को ही सब श्रेष्ठ मानता है कि हाँ मैं ही सब कुछ समझता हूँ, कि जिस तरीके से शाहीन बाग आंदोलन को इन्होंने जोड़ दिया उसी हिसाब से किसान आंदोलन। लेकिन ये किसान आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी तरीके से देशव्यापी हो गया और इसमें दुनिया भर के जितने शोषित पीड़ित घटक हैं, वो चाहे वर्किंग क्लास हो या ठेकाकर्मी हो या और दूसरे सर्विस सेक्टर के तमाम सारे लोग, प्राइवेट सेक्टर के तमाम सारे मजदूर, वो सारे के सारे लोग, मतलब वो जनता उस विषय को लेके अब जागरूक हो चुकी है और वो साथ है, ये एक राष्ट्रीय क्रांति में ठीक है परिवर्तित होगा और मेरा यकीन है कि निश्चित ही, हालांकि उसके लिए इतना सहज नहीं होता है, ये जबानी कह देना अलग बात है, हमें काफी कुर्बानियां देनी होंगी, लेकिन निश्चित रूप से संपूर्ण जनवादी व्यवस्था परिवर्तन इसी संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की इस आंदोलन के जरिए आएगा और वो देश व्यापी उसका प्रभाव दिखने लगा है। आप ये देखिए, पहले उस पर एक जो अनजान, जो हमने तो 18 साल तो ढोर भी चुगाए हैं जब खेती करते थे, कि वो जब कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया और जो पहली सूचना थी शासकीय वो ये थी, बोले कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यहां क्योंकि वो कोरोना आ रहा है, यहां का कोई भी नागरिक दिल्ली में बिना कोविड टेस्ट के उसको एंट्रेंस नहीं दी जाएगी, आगे की बात वो थोड़ा सा पाबंदी है तो वो इसलिए सिर्फ
तो ये सिर्फ ये साजिशें, इनकी साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है पूरी तरीके से, जनता पूरी तरीके से इन्हें नकार चुकी है। वो तो अभी ये सत्ता में चूंकि काबिज हैं, तो उस वो जो सत्ता का जो पूरा सिस्टम है नौकरशाही है, अभी उसके तरीके से अपने तरीके से मैनिपुलेट करके ये उसमें जद्दोजहद में लगे रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये हारेंगे, ये जाएंगे, ये भागेंगे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मुझे आज विदा लेते हैं और फिर मालिक हमको ऐसा अवसर दे फिर आपसे और भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जिसे कहना चाहिए कि कम लोग होते हैं जो इतने स्पष्ट पाती और अपनी सोच को सीधे सीधे आसान शब्दों में रखने वाले हमें मिलते हैं आप जैसे। तो फिर हम आपको चाहेंगे आप फिर आए। हाँ मैं बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा, क्योंकि धन्यवाद अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का इस जो मौजूदा बोधी मीडिया है उस दौर में ये सोशल मीडिया ही बचा है। व्यक्तिगत रूप से मिल पाने की सीमाएं होती है, इसका जो व्यापकता है वो उससे काफी आगे तक हमारी बात को पहुंचाती है। इसलिए धन्यवाद आपका।